हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉर्बिट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं ऑन स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, वो हमारा है कि किस तरीके से हम लोग इनिशियल डेटा को एप्लीकेशन स्टार्ट के टाइम पर ही कैसे लोड कर सकते हैं। बहुत ही इन डेप्थ एंड कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट को समझाऊंगा और इसका यूज़ आप ज़रूर अपने आईटी कंपनी में करेंगे और इंटरव्यू रिलेटेड भी ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। मुझे सपोर्ट दिखाइए वीडियो को लाइक करके और कमेंट कीजिए कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल लगा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर कंसेप्ट। हम लोग आज का टॉपिक है हमारा लोडिंग इनिशियल डेटा विद स्प्रिंग बूट। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग एप्लीकेशन को रन करेंगे, जो भी हमने स्कीमा फाइल यानी कि .sql फाइल क्रिएट करेंगे उसको हमें एप्लीकेशन में लोड करना है। हमारे एप्लीकेशन में टेबल क्रिएट करना हो गया तो टेबल क्रिएट करना है, अगर हमें टेबल्स में वैल्यू को इंसर्ट करना है तो वो भी काम हमारा होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है। देन टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो, सो कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले वो पहले हम लोग देख लेते हैं और फिर मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी समझाऊंगा और थियोरेटिकल पार्ट भी समझाऊंगा। तो दोनों ही कंसेप्ट्स आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे विद हैंड्स ऑन एग्जांपल। तो पहला हम देखेंगे ओवरव्यू क्या है, देन data.sql फाइल किस तरीके से काम करता है, schema.sql फाइल किस तरीके से काम करता है, फिर हम देखेंगे कंट्रोलिंग डेटाबेस क्रिएशन यूजिंग हाइबरनेट, एंड फिफ्थ पॉइंट है मेरा कस्टमाइजिंग डेटाबेस स्कीमा क्रिएशन। तो ओवरव्यू, व्हाट इज़ यूज ऑफ दिस वीडियो और व्हाट इज़ यूज ऑफ दिस कंसेप्ट। सो स्प्रिंग बूट सिंप्लीफाई डेटाबेस मैनेजमेंट बाय ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग टेबल फॉर एंटिटी इन पैकेज बट अलाउज फॉर फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल थ्रू data.sql और schema.sql। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो है मोस्टली data.sql फाइल और schema.sql फाइल को यूज नहीं करते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि माइनर कंट्रोल करना अपने स्कीमा क्रिएशन पे, तो उसके लिए हम लोग कस्टम data.sql फाइल क्रिएट कर सकते हैं या फिर कस्टम schema.sql फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट है मेरा data.sql फाइल। एज्यूमिंग वी आर वर्किंग विद JPA एंड डिफाइनिंग अ सिंपल कंट्री एंटिटी इन आवर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे कंट्री क्लास क्रिएट किया जहाँ पर मैंने दो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई किए, आईडी एंड नेम। आईडी को मैंने डिक्लेयर किया है प्राइमरी की और नेम मेरा है बेसिकली एक एट्रीब्यूट्स और कॉलम है। तो स्प्रिंग बूट क्रिएट एन एम्प्टी टेबल विदाउट पॉपुलेटिंग इट विथ एनीथिंग विच कैन बी डन बाय क्रिएटिंग अ फाइल नेम data.sql। यानी कि इसका मतलब क्या है और ये क्या कहना चाहता है कि जब हम लोग एक एंटिटी क्रिएट करते हैं यानी कि @entity_annotation से, तो उस टाइम पे जो हम लोग एप्लीकेशन को रन करेंगे तो एक ब्लैंक टेबल क्रिएट होता है। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं जाऊंगा इंटेलजी आईडी में, वहां पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा इस कंसेप्ट को ही समझने के लिए। तो मैं फटाफट जाता हूं इंटेलजी आईडी में, यहां पर फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम दूंगा मैं स्प्रिंग बूट स्कीमा एग्जाम्पल, टाइप रहेगा मेरा मैवन, ग्रुप जो रहेगा वो मैं कर दूंगा इसको com.codemit, देन सिमिलर वे में पैकेज नेम को भी मैं शॉर्ट कर देता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अभी जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी हम लोग यूज़ कर लेंगे एक वेब डिपेंडेंसी। फिर हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, अपने जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो कंसेप्ट से हमारा टू यूज़ द इनिशियल डेटा यानी कि कुछ JPA रिलेटेड और डेटाबेस रिलेटेड हम लोग काम करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा JPA रिपोजिटरी का, देन हम लोग यूज़ करेंगे PostgreSQL ड्राइवर और हम लोग यूज़ करेंगे Lombok फॉर गेटर एंड सेटर पर्पस। जस्ट 4 डिपेंडेंसी हमें यूज़ करना है। हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे और एक न्यू विंडोज को सिलेक्ट करके हम जो पीछे वाला विंडोज को बंद करते हैं, लेट्स ओपन दिस वन। अभी ये जो है हमारे सारे डिपेंडेंसी को लोड करके दे दिया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, SRC के अंदर मेन के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पर हमारा स्प्रिंग बूट स्कीमा एग्जांपल क्लास फाइल प्रेजेंट है। तो पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग एक क्लास फाइल क्रिएट करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे और एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करूँगा, न्यू पैकेज, इस पैकेज का नाम दे दूँगा मैं com.codemit.model। इस मॉडल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया मैंने एक क्लास फाइल क्रिएट करना है एज अ नेम कंट्री
एंड इस कंट्री फाइल के अंदर मैं दो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूँगा, सेम जैसा मैं नोट्स में दिया वैसा ही क्रिएट करूँगा, जिससे आप नोट्स को फ्यूचर में रिफर कर सके एज अ एग्जाम्पल और एज अ क्विक रिविज़न। तो मैं यहाँ पे आईडी क्रिएट करूँगा, नेम क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग, एक प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, प्राइमरी इंटीजर आईडी एंड प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, इसको हम लोग डेनोट करते हैं एट द रेट एंटिटी एनोटेशन से। जैसे हम लोग एट द रेट एंटिटी एनोटेशन से डिक्लेयर करेंगे, ये हमें प्राइमरी की के लिए पूछेगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एट द रेट आई डी एनोटेशन एंड देन यहाँ पर यूज़ करूँगा एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, और इसमें मैं स्ट्रेटजी स्पेसिफाई करूँगा जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम लोग देखेंगे जब एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो हमें डेटाबेस का डिटेल्स भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का डिटेल्स पेस्ट कर दिया। PGML में जाएंगे तो यहाँ पर जब मैं एक्सपांड करूँगा तो इसके अंदर आपको डेटाबेस के अंदर com.codemyth मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सेम com.codemyth यूज़ कर रहा हूँ, और जो मेरा बेसिकली जो PGML है वो PostgreSQL में ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, जो कि हाईली डिमांडेड है IT कंपनी में। अभी सब लोग जो स्विच कर रहे हैं वो फ्रॉम Oracle और MySQL टू PostgreSQL, और हम लोग स्विच कर रहे हैं MongoDB पे, ये मोस्टली यूज़ किया जा रहा है हमारे IT कंपनी में। तो मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ जिससे हम लोग कंपनी के स्टैंडर्ड को फॉलो कर सके। तो मैंने एक एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर डेटाबेस के डिटेल्स को पेस्ट कर दिया। देन हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई टेबल क्रिएट है कि नहीं। तो एक बार हम लोग स्कीमा को एक्सपांड करते हैं, देन टेबल्स को, यहाँ पर कंट्री ऑलरेडी क्रिएट है, इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट कर लिया, इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कोई भी कंट्री टेबल प्रेजेंट नहीं है। एप्लीकेशन को करते हैं हम लोग स्टार्ट, और जैसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक क्रिएट टेबल का स्क्रिप्ट रन होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, क्रिएट टेबल कंट्री आईडी इंटीजर नॉट नल नेम वेरिकल प्राइमरी की आईडी, और यहाँ पर जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कंट्री टेबल क्रिएट हो गया। इस कंट्री टेबल का स्क्रिप्ट रन करते हैं जो कि मेरा सेलेक्ट का है, और जैसे इसके स्क्रिप्ट को मैं रन करूँगा तो यहाँ पे टेबल जो है मेरा वो एम्प्टी है। तो वही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि जब हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं तो टेबल जो है मेरा एक एम्प्टी टेबल विदाउट पॉपुलेटिंग एनी डेटा। तो टू डिफर द इनिशियलाइजेशन ऑफ आवर डेटा सोर्स वी कैन यूज द प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड टू एग्जीक्यूट data.sql स्क्रिप्ट बिफोर Hibernate इज इनिशियलाइज। तो मैं करूँगा एक data.sql जो है एक स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग रिसोर्स के अंदर, देन न्यू फाइल data.sql, और इस data.sql के अंदर मुझे ये यूज़ करना है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं पेस्ट। ठीक है, इतना हो गया। देन अभी देखिए, जो हम लोग ये प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग JPA डिफॉल्ट डेटा सोर्स इनिशियलाइजेशन इक्वल टू ट्रू, यानी कि जो हम लोग डेटाबेस में जो एक प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट किए हैं या फिर जो स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट किए उसका रन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर data.sql का हमें किए हैं एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा कंसोल और आउटपुट किस तरीके से बिहेव करता है। सो लेट्स सी दिस वन, यहाँ पे हम लोग एक बार इस चीज़ को रन करते हैं, यहाँ पे कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग इस टेबल को एक बार डिलीट करते हैं और फिर हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स सी द आउटपुट। हम लोग, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा किस तरीके से हमें हर एक कोड को यूज़ करना है। देखिए, हमारा टेबल तो यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो इस टेबल को हम लोग वापस से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर जाके इसको हिंटर करते हैं, कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट होता है, द प्रोजेक्ट विल पॉपुलेट द कंट्री टेबल व्हेन रन विद स्पेसिफाइड फाइल ऑन क्लास पथ फॉर स्क्रिप्ट बेस्ड इनिशियलाइजेशन सच एज इंसर्टिंग डेटा और क्रिएटिंग स्कीमा द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मस्ट बी सेट। तो हमें ये सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये सेट करेंगे और एप्लीकेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा वो फाइल जो है यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं रीस्टार्ट। उसके पहले जो है मैं इस टेबल को यहाँ से करता हूँ
डिलीट। टिप नंबर डिलीट हो गया, यहाँ पे जाएंगे हम लोग एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला हमारा एक क्रिएट टेबल का स्क्रिप्ट रन हुआ, यहाँ पे कुछ फट रहा है। लेट्स सी, नल वैल्यू इन कॉलम आईडी ऑफ रिलेशन कंट्री वायलेशन नॉन नल कंस्टेंट। तो इसके लिए मुझे जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों को एक जो है मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे टेबल्स में वैल्यू इंसर्ट हो। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को निकाल देंगे और हमारा टेबल ऑलरेडी क्रिएट है, तो जब हम लोग एप्लीकेशन को रन करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो एक बार हम लोग एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं आउटपुट का बिहेवियर किस तरीके का है। यहाँ पे हम लोग आ रहा है कि नल वैल्यू इन कॉलम आईडी ऑफ रिलेशन कंट्री वायलेशन नॉन नल कंस्टेंट। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट एंड देन, यानी कि जो हम लोग स्कीमा डॉट एसक्यूएल है उसके कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। किस तरीके से हमारा लिंकेज है डेटा डॉट एसक्यूएल फाइल के साथ और स्कीमा डॉट एसक्यूएल फाइल के साथ, ये भी हम लोग इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी फाइल यानी कि एक स्कीमा फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल स्कीमा डॉट एसक्यूएल। एंड इस स्कीमा डॉट एसक्यूएल में मैं टेबल तभी क्रिएट करूँगा जब टेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट करता हूँ, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट कंट्री। तो हमें जो एडरेट एंटिटी एनोटेशन जो यूज़ किए थे उसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर इस टेबल क्रिएट हो गया। टेबल को करेंगे डिलीट, देन एप्लीकेशन को हम लोग करेंगे रीस्टार्ट एंड लेट्स सी हाउ द बिहेवियर इज। तो हमारा एप्लीकेशन हो गया स्टार्ट, हम लोग इसको करते हैं रिफ्रेश, लेट्स सी द टेबल सेलेक्ट स्क्रिप्ट। और इस स्क्रिप्ट को जब रन करेंगे तो हमारा डेटाबेस में वैल्यू प्रेजेंट है। तो समझ रहे हैं किस तरीके से डेटा डॉट एसक्यूएल फाइल एंड स्कीमा डॉट एसक्यूएल फाइल काम करता है, कौन से प्रॉपर्टी वैल्यू को सेट करना पड़ता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। सो ये नोट्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जरूर इस चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं या फिर आप हैंडी अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ फाइल जनरेट करना तो पीडीएफ फाइल भी जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट हमारा समझ लिए। अभी देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है कि यूजिंग स्क्रिप्ट बेस्ड इनिशियलाइजेशन थ्रू स्कीमा डॉट एसक्यूएल एंड डॉट एसक्यूएल अलॉन्ग विद हाइबरनेट इनिशियलाइजेशन कैन कॉज इशू व्हेन कंबाइंड। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग यहाँ पर एट द रेट एंटिटी एनोटेशन डिक्लेयर करते हैं तो ये क्या चाहता है, जो स्कीमा के अंदर क्रिएट टेबल का स्क्रिप्ट है और जो एंटिटी है यानी कि हाइब्रिड चाहता है कि मैं टेबल को क्रिएट करूँ और स्कीमा डॉट एसक्यूएल चाहता है कि मैं टेबल को क्रिएट करूँ, तो इस मिसकन्फ्यूजन से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस मिसकन्फ्यूजन को निकालने के लिए एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर यह जो प्रॉपर्टी है अपडेट, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा नन से, यानी कि ये हाइबरनेट इनिशियलाइजेशन को यूज़ ना करे। तो हम लोग एप्लीकेशन को वापस से रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले जो है टेबल को डिलीट करता हूँ, डिलीट टेबल, और फिर एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ, इससे मुझे डिफरेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारा एप्लीकेशन हो रहा है रिस्टार्ट, अभी यहाँ पे देखेंगे ना तो हमारा ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। देन हम लोग इसको करते हैं रिफ्रेश, देन इसको हम लोग करेंगे सिलेक्ट क्वेरी को रन, तो हमारा यहाँ पे डेटाबेस प्रेजेंट है। पहले आप देखते रहेंगे जो नल का इशू आ रहा था ना, वो उसके कारण ही आता है। इस वैल्यू को अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही नन सेट कर देते तो वो नल कंस्टेंट वायलेशन का इशू नहीं आता। तो हमने कंसेप्ट समझ लिया कि तीन प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे नन होता है, क्रिएट होता है, क्रिएट ड्रॉप होता है, वैलिडेट होता है, अपडेट होता है। टोटल 4 to 5 प्रॉपर्टी हम लोग इसके अगेंस्ट टीडीएल ऑटो के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना तीन प्रॉपर्टी हमने समझ लिया, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि मैंने एसक्यूएल जो है अपना इनिट मोड ये भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। देन अभी कंट्रोलिंग डेटाबेस क्रिएशन यूजिंग हाइबरनेट जो कंसेप्ट था वो हमने समझ लिया, अभी जो थियोरेटिकल कंसेप्ट था उसको समझते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट हमारा कवर हो चुका है कि किस तरीके से डेटा डॉट एसक्यूएल काम करता है, किस तरीके से स्कीमा डॉट एसक्यूएल को लोड करते हैं, कौन से तीन प्रॉपर्टी को सेट करना बहुत जरूरी होता है। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो तीन प्रॉपर्टी सेट किए हैं उसके अगेंस्ट कौन कौन से वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं और उस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। द स्टैंडर्ड हाइबरनेट प्रॉपर्टी वैल्यूज आर क्रिएट, अपडेट, क्रिएट ड्रॉप, वैलिडेट एंड नन, यानी कि कौन से प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग JBA हाइबरनेट DDL ऑटो के अगेंस्ट। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है नन। तो देखते हैं
क्रिएट क्या होता है, हाइबरनेट फर्स्ट ड्रॉप एग्जिस्टिंग टेबल एंड देन क्रिएट अ न्यू टेबल। जब हम लोग नन के बदले क्रिएट यूज़ करेंगे, अप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग टेबल को ड्रॉप कर देगा, एक फ्रेश टेबल क्रिएट होगा। देन अपडेट का मतलब क्या होता है, द अपडेट मॉडल क्रिएट बेस्ड ऑन द मैपिंग इज कंपेयर विद एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड देन हाइबरनेट अपडेट द स्कीमा अकॉर्डिंग टू डिफरेंस। इट नेवर डिलीट्स द एग्जिस्टिंग टेबल और कॉलम इवन इफ दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन। ये अपडेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको इन शॉर्ट लेमन लैंग्वेज सुनाता हूँ। जब भी आप DDL ऑटो को यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इसको अगर सेट करते हैं अपडेट से, तो क्या होता है, हमारा जो टेबल क्रिएट है उस टेबल को चेंज नहीं करेगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं तो ये कंपेयर करता है कि एग्जिस्टिंग टेबल का स्कीमा और न्यू टेबल के स्कीमा में क्या डिफरेंस है। अगर सपोज हम लोग करते हैं ID नेम और हम जो सेकेंड टाइम पर करते हैं उस क्लास फाइल को चेंज करते हैं, ID नेम के साथ एज भी डालते हैं, तो उस टेबल में जो भी स्टूडेंट टेबल रहेगा, एम्प्लॉयर टेबल रहेगा, वहाँ पर एक एज का कॉलम एड हो जाएगा। अगर आप सपोज नेम निकाल दिए तो क्या होगा, जो नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको निकालेगा नहीं, टेबल से कॉलम को डिलीट नहीं करता है। आप ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट नेवर डिलीट्स द एग्जिस्टिंग टेबल्स और कॉलम इवन इफ दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन। हमारे एंटिटी क्लास में भले ही हम लोग उस प्रॉपर्टीज को बाद में रिमूव कर दें, बट हमारे टेबल से उस कॉलम को रिमूव नहीं कर सकते। हम लोग खुद से कर सकते हैं, बट उस ऑटोमेटिकली जो है वो इस स्क्रिप्ट के थ्रू और हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट के टाइम वो रिमूव नहीं होगा। क्रिएट एंड ड्रॉप, क्रिएट ड्रॉप का यूज़ क्या है कि हम लोग सपोज टेस्ट क्लासेस को रन कर रहे हैं, टेस्ट केसेस के टाइम पे हमने कुछ टेबल्स के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर दिए, टेस्ट केसेस हमारा रन हो गया तो जो भी टेबल्स हमने क्रिएट किए थे उसका यूज़ नहीं है। तो क्रिएट ड्रॉप का यूज़ वही है हमारे फॉर टेस्टिंग एप्लीकेशन। जब भी हमें टेस्ट करना रहेगा एप्लीकेशन को, उसका हम लोग डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, और जैसे टेस्ट कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप हो जाएगा। सिमिलर टू क्रिएट, विद द एडिशन दैट हाइबरनेट विल ड्रॉप द डेटाबेस After all operation are completed, typically used for unit testing. समझ गए, तो यूनिट टेस्टिंग के टाइम पर हम लोग इस चीज़ को यूज करते हैं। वैलिडेट, हाइबरनेट ओनली वैलिडेट whether द टेबल और कॉलम एग्जिस्ट, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। सो ये हमारा वैलिडेशन के पर्पज के लिए काम होता है। नन, दिस वैल्यू इफेक्टिवली टर्न ऑफ द DDL जनरेशन, यानी कि हाइबरनेट के थ्रू हमारा टेबल जनरेशन को ऑफ कर देता है, जैसे हमने अभी जस्ट इस एग्जाम्पल में समझे हैं। अभी यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी के वैल्यू को समझ लिया कि कौन कौन से वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिफ्लेस कर सकते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि स्प्रिंग SQL इनिट मोड के अंदर ये जो ऑलवेज है इसके बदले कौन कौन से वैल्यू को सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है कस्टमाइजिंग डेटाबेस स्कीमा क्रिएशन। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली क्रिएट द स्कीमा फॉर एम्बेडेड डेटा सोर्स, यानी कि अगर हम लोग एम्बेडेड डेटाबेस S2 डेटाबेस यूज करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट होता है। बट द spring.sql init mod प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू कंट्रोल और कस्टमाइज दिस बिहेवियर टेकिंग वन ऑफ थ्री वैल्यू। आप तीन में से कोई एक वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं, आइदर ऑलवेज, देन एम्बेडेड, और सेकेंड है हमारा नेवर। तो ऑलवेज, सो ऑलवेज इनिशियलाइज द डेटाबेस, जब भी हम लोग एप्लीकेशन को रन करेंगे हर टाइम हमारा schema.sql जो है रन होगा। एम्बेडेड, ऑलवेज इनिशियलाइज इफ एन एम्बेडेड डेटाबेस इज इन यूज, दिस इज द डिफॉल्ट इफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि जब भी आप लोग स्प्रिंग SQL इनिट मोड में यूज ही नहीं करते, यानी कि मैं अपने प्रॉपर्टी फाइल में इस वैल्यू को डिक्लेयर ही ना करूँ, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो एम्बेडेड रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नेवर, नेवर इनिशियलाइज द डेटाबेस, यानी कि कभी भी schema.sql फाइल हमारा रन ही नहीं करना है, तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को सेट कर देंगे नेवर से। दिस प्रॉपर्टी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग बूट 2.5.0, मतलब जो हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं spring.sql.init mode, तो इसको हम लोग 2.5.0 से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसके पहले के वर्जन पे अगर आप काम कर रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे आप 2.5.0 के वर्जन से प्रीवियस वर्जन पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा स्प्रिंग डेटा सोर्स इनिशियलाइजेशन मोड, और इसके बाद आप तीन में से कोई भी वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऑलवेज,
एम्बेडेड और नेवर। आई होप काफ़ी अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी अमेजिंग कंसेप्ट ऑन स्प्रिंग बोर्ड टॉपिक और एनी अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।